subscribers, welcome to your YouTube channel Diva and you by Surbhi. Wait a minute, haven't you subscribed my channel yet? Well, to become lovely and my subscriber, you need to hit that red subscribe button and also the bell icon for further notifications. Please support me by doing this. आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो. टाइटल और थंबनेल से आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ. आपके रिक्वेस्ट के ऊपर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए द मोस्ट अफोर्डेबल द मोस्ट हाइप्ड इन द मार्केट स्विस ब्यूटी के मेकअप ब्रशेस. तो जैसे ही रिसीव हुए थे ये मेकअप ब्रशेज, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेज किया था इनफैक्ट. तो जैसे ही रिसीव हुए थे मुझे ये मेकअप ब्रशेज, मैंने जल्दी से इसका अनबॉक्स शूट कर लिया था फॉर यू गाइज. तो अटैच करती हूँ मैं उसका क्लिप, तो आप जल्दी से देखिए उसका क्विक सा अनबॉक्स वीडियो और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इन मेकअप ब्रशेस के डिटेल्स. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do. So, आज का ये वीडियो होने वाला बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग. आपको कहीं भी नहीं जाना है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है. वीडियो में मैं आपको बहुत सारे प्रो टिप्स भी बताने वाली हूँ कि कैसे आप कम ब्रशेस में अपना फुल फेस ऑफ मेकअप कर सकते हैं क्विकली. तो वीडियो में प्लीज एंड तक बने रहें. तो यहाँ पे है मेरे पास ये स्विस ब्यूटी के मेकअप ब्रशेस एंड लुक एट द पैकेजिंग गाइस. कैन वी प्लीज गिव अ मोमेंट एंड अप्रिशिएट दिस ब्यूटीफुल पैकेजिंग. ये पैकेजिंग देखते के साथ ही आपका मन होने लगता है कि आपके पास ये मेकअप ब्रशेस आ जाए. एंड ये पैकेजिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है. आप जब वेबसाइट पे इसे देखते हैं ऑर्डर करते टाइम आपको समझ में नहीं आता है कि ये बॉक्स क्या है. इट इज मेटल और सम यू नो गुड स्टफ और सम बैड स्टफ. तो गुड या बैड तो मैं नहीं कहूंगी, दिस इज कार्डबोर्ड गाइस. अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बहुत ही अच्छा प्लास्टिक का स्टोरेज बॉक्स मिलने वाला है या मेटल का स्टोरेज बॉक्स मिलने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज कार्डबोर्ड. ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है और आपको अंदर मिल जाते हैं कुछ 6 मेकअप ब्रशेज, जिसमें 2 आपको फेस ब्रशेज मिल जाते हैं और 4 आई मेकअप के लिए ब्रशेज मिल जाते हैं. तो 1 by 1 हम देखते हैं इन सारे ब्रशेज के बारे में कि किस तरीके से ये आपको हेल्प करने वाले और कैसी है क्वालिटी इन सारे ब्रशेस की. सो फर्स्ट ब्रश है यहाँ पे फाउंडेशन ब्रश, विच इज दिस फ्लैट टॉप काबुकी ब्रश, जिससे आपका फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. बाय द वे ये मेकअप लुक मैंने इन ब्रशेस की हेल्प से ही क्रिएट किया है आज. तो बात करें फाउंडेशन ब्रश की, तो बहुत ही इजीली आपके फाउंडेशन को आपके फेस पे ब्लेंड कर देता है. हम जब भी फाउंडेशन के लिए ब्रश यूज करते हैं द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज कि आपके फेस पे कोई ऐसे ब्रशेस के स्ट्रोक्स ना दिखे या आपका फाउंडेशन अनइवन ना दिखे या बेस आपका केकी ना दिखे. पर इस ब्रश के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये सीमलेसली आपके फाउंडेशन को ब्लेंड कर देता है एंड दिस इज रियली सॉफ्ट गाइज, वेलवेटी स्मूथ, बिल्कुल भी चुभने नहीं वाला आपके स्किन पे. बहुत ही इजीली आपके फाउंडेशन को ब्लेंड कर देता है. बात करूं कवरेज की, तो ये आपके फाउंडेशन का लगभग मीडियम कवरेज देगा. अगर आपको उसे बिल्ड करना है तो ऑफकोर्स आप उसे सेकेंड लेयर अप्लाई करके बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रश ड्राई फॉर्म में होता है तो थोड़ा प्रोडक्ट तो ये ऑफकोर्स अब्सॉर्ब करता है. नेक्स्ट आई हैव दिस पाउडर ब्रश, जो कि काफी मल्टीपल वेज में यूज किया जा सकता है. आप अपने फेस को पाउडर कर सकते हैं. अगर आप अंडर आई को बेक किए हैं तो आप पाउडर रिमूव करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं. ब्लश के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं. अपने फेस को कॉन्ट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं. हाईलाइटर अप्लाई करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. काफी अच्छा फ्लफी ब्रश है ये. डेंसिटी की बात करूं तो दिस इज द परफेक्ट डेंसिटी. बहुत ज्यादा डेंस भी नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा ऐसा लूज है, ब्रिसल्स इसमें बहुत कम है. दिस इज द परफेक्ट डेंसिटी गाइस जो आपको रिक्वायर्ड. बात करूं इन ब्रशेस के ब्रिसल्स की, तो मुझे ऐसा कोई भी इसका हेयर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है. इन सारे ब्रशेस को यूज करके मैंने ये मेकअप लुक भी क्रिएट किया है, तो काफी अच्छे से सारा कुछ ब्लेंड भी हो गया है. मूविंग ऑन टू आई मेकअप, आपको 4 ब्रशेस रिसीव होते हैं, जिसमें से आपको एक फ्लैट ब्रश रिसीव होता है जो कि ग्लिटर शेड पिक करके अप्लाई करने के लिए बहुत ही यूजफुल है. नेक्स्ट आपको रिसीव होता है एक ये ऐसा मीडियम साइज का ब्लेंडिंग ब्रश, जिससे आप अपना क्रीज क्रिएट कर सकते हैं, अपना ट्रांजिशन शेड ब्लेंड कर सकते हैं. तो आपको ये ब्लेंडिंग ब्रश काफी हेल्प करने वाला है. नेक्स्ट आपको ये छोटू सा कंसीलर ब्रश भी रिसीव हो जाता है, जो कि आपके फेस के यू नो नूक एंड कॉर्नर्स पे आप कंसीलर ब्लेंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से. अदरवाइज बाय द वे इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से आप कट क्रीज भी ड्रॉ कर सकते हैं. फोर्थ ब्रश आपको रिसीव हो जाता है, जो कि एक एंगल ब्रश है, जिसके काफी सारी यूजेस हैं. आपको तो पता होगा एंगल ब्रश की हेल्प से अपने ब्राउज को फिल कर सकते हैं. द बेस्ट पार्ट इज कि आप हेयर लाइक स्ट्रोक्स देके अपने ब्राउज को फिल कर सकते हैं, जिससे आपके ब्राउज बिल्कुल भी ओवरडू नहीं लगते, नेचुरल लगते हैं. अपने लोअर लैश लाइन पे कलर स्मच कर सकते हैं या फिर अपने काजल को स्मच कर सकते हैं. ये जो एंगल ब्रश है काफी प्रिसाइज है गाइस, तो आप अपना आईलाइनर भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं. अगर जेल आईलाइनर है तो वो काफी अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा इस एंगल ब्रश की हेल्प से. इस एंगल ब्रश की यू नो दूसरे साइड पे आप
आपको ये स्पूली भी रिसीव हो जाती है, जिससे आप अपने ब्राउज को अच्छे से सेट कर सकते हैं, कोम्ब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्पूली इज कि आप अपने ब्राउज को फिल करते हैं, और प्रोडक्ट अगर थोड़ा ज्यादा भी चला जाता है तो आप उसे ब्रश करते हैं तो वो प्रोडक्ट निकल जाता है. नेक्स्ट, अगर आप मस्कारा अप्लाई करते हैं एंड आपके लैशेज ऐसे क्लम्पी हो जाते हैं तो आप उसे डिटैंगल करने के लिए भी स्पूली की हेल्प ले सकते हैं. तो ये थे 4 आई ब्रशेस. बात करूं मैं ये सारे 6 ब्रशेस आपके मेकअप लुक के लिए सफिशियंट हैं या नहीं, आप ये 6 ब्रशेस की हेल्प से अपना फुल फेस ऑफ मेकअप कर सकते हैं या नहीं, इसके अलावा और कोई ब्रशेस की आपको जरूरत है या नहीं, तो मैं कहना चाहूंगी कि फेस के लिए तो फाउंडेशन ब्रश एंड पाउडर ब्रश काफी है, सफिशियंट है. बट एक और पाउडर ब्रश आपको मिले तो ऑफकोर्स आपकी हेल्प होने वाली है, बट आप इन दो ब्रशेस में भी अपने फेस के लिए काम चला सकते हैं. बट आई मेकअप के लिए आपको काफी ब्रशेस, काफी नहीं कहूंगी बट हाँ, एटलीस्ट आपको 2 ब्लेंडिंग ब्रशेस की हेल्प लगती ही है. एक बिग ब्लेंडिंग ब्रश जो कि आपकी क्रीज के बाहर काम करने में हेल्प करता है, और एक प्रिसाइज ब्लेंडिंग ब्रश जिससे आप अपने आउटर लिड्स को रिफाइन कर सकते हैं, डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं. तो इस किट में जितने भी आपको आई मेकअप के लिए ब्रशेस मिलते हैं सफिशियंट है, आप उसका यूज से ऑफकोर्स अपना आई मेकअप कर सकते हैं. पर अगर एक ब्लेंडिंग ब्रश आपको और मिल जाती है इस किट में तो आपका काम काफी ईजी हो जाता. आप चाहें तो आप अलग से एक ब्लेंडिंग ब्रश परचेज कर सकते हैं, एक अच्छी ब्लेंडिंग ब्रश में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आप अपने आई मेकअप को इजिली कर पाए. मैं यूज करती हूँ नायका का ब्लेंडिंग ब्रश. एडिशनल ब्लेंडिंग ब्रश के लिए मेरे पास एक नायका का ब्लेंडिंग ब्रश था, तो अगर मैं इस ब्लेंडिंग ब्रश को कंबाइन कर दूं इस 4 आई ब्रशेस के साथ तो बहुत ही इजिली आई मेकअप हो सकता है. पर अगर आप नहीं चाहते अलग से एक ब्लेंडिंग ब्रश में इन्वेस्ट करना तो आप इन 4 ब्रशेस से भी अपना मेकअप कर सकते हैं. हाँ, थोड़ा सा आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं आपको प्रो टिप दे देती हूँ. आप कॉटन पैड्स एंड मेकअप रिमूवर अपने पास रखें, एंड कॉटन पैड में थोड़ा सा मेकअप रिमूवर लेके आप अपने गंदे ब्रश को, लाइक अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपने ब्रश को क्लीन कर सकते हैं. आपको इसे वॉश करने की जरूरत नहीं होती है, वॉश करने के बाद ड्राई होने का वेट करने का जरूरत नहीं होता है. आप जल्दी से इसे क्लीन कर सकते हैं और अपने मेकअप को कंटिन्यू कर सकते हैं. देख सकते हैं आप, ये ब्रश बिल्कुल क्लीन हो गया है और ऐसा वेट भी नहीं हुआ है, बिल्कुल ड्राई है. बात करूं मैं इसकी प्राइस की तो प्राइस है इसकी 999 रुपीज, गाइज, जिसको मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये बहुत ही अफोर्डेबल साइड में है, पर जो ब्रशेस की क्वालिटी है उसके हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको हमेशा मिल जाता है. मैंने इन ब्रशेस को ऑर्डर किया था 680 रुपीज के आसपास फ्लिपकार्ट से, तो आप भी ऐसा ऑफर देख के अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे ये ब्रशेस परचेस कर सकते हैं. इन ब्रशेस को परचेस करने के बाद आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा. इट्स नॉट लाइक कि इट्स नॉट सॉल्विंग योर पर्पस, आपका काम नहीं हो रहा, आप मेकअप नहीं कर पा रहे. क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इन ब्रशेस की. ऐसा कोई फॉल आउट नहीं है, ब्रिसल्स नहीं निकल रहे हैं, काफी अच्छे से ब्लेंड कर देता है आपके मेकअप को, तो ऑफकोर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर आप ब्रशेज में इससे कम प्राइस इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कम पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बिगिनर्स मेकअप ब्रशेस गाइड पर वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ. मैं भी स्टार्टिंग से उन सारे ब्रशेस का ही यूज करके अपना मेकअप लुक क्रिएट करती थी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डू चेक इट आउट, द लिंक इज वेटिंग फॉर यू गाइज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइज. अगर कोई भी पॉइंट मेरे से छूट गया हो, मिस हो गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से जरूर पूछे, मैं जरूर आंसर करूंगी. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना.